हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपकी जो तीसरी इकाई है आरोह भाग दो गद्य खंड, हिंदी विषय की आपकी ये तीसरी इकाई, इस तीसरी इकाई के समस्त ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। आपको सारे उत्तर में कंप्लीट करवाऊंगा। आपकी सामान्य जानकारी के लिए एक बात विशेष रूप से याद रखें, 17 अंक की ये इकाई रहेगी आपकी वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में सब में। 6 अंक के इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न, इस प्रकार से कुल मिलाकर 17 नंबर की आपकी ये इकाई है गद्य खंड। और गद्य खंड से प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ, ये गद्य की विधाएँ जिसमें कहानी संस्मरण, व्यंगात्मक निबंध और एकांकी, इसके अलावा लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित और विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से आपका गद्य खंड कक्षा 12वीं हिंदी ये कंप्लीट होगा और 17 अंक के आपको क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आप सभी की जो क्वेश्चन बैंक है आ चुकी है, तो क्वेश्चन बैंक में डायरेक्टली क्वेश्चन क्वेश्चन दिए हैं आपको, मैं आंसर सहित बता रहा हूं, तो आप अपना कंप्लीट करें काम। देखिएगा, पहला सही विकल्प है भक्तिन पाठ लिखा गया है। आपको बताना है कि गद्य की किस विधा में लिखा गया है, तो रेखा चित्र विधा में लिखा गया है भक्तिन पाठ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दें, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, तो उस आधार पर आप देखें। जिठोत का अर्थ है, जिठोत का जो अर्थ होता है जेठ का पुत्र। भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, और भक्तिन जो अपना वास्तविक नाम इसलिए छिपाती थी क्योंकि वह गरीब थी, नाम लक्ष्मी और गरीब थी, इस कारण से वो अपना नाम लोगों के सामने नहीं बोलती थी, छिपाती थी। तो भक्तिन नाम किसने दिया था, तो महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तिन गले में पहनती थी, तो इसमें आपको याद रखना है कंठी माला, भक्तिन गले में कंठी माला पहनती थी। इसके बाद में महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है, तो 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, और महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यामा काव्य संग्रह है, आपको ऑप्शन दिए हैं मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो यामा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं, इसमें जैनेन्द्र कुमार आप याद रखेंगे, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। इसके बाद में परख उपन्यास के लेखक हैं, परख उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो आप इसमें याद रखेंगे जैनेन्द्र कुमार परख उपन्यास के लेखक हैं। बाजार दर्शन पाठ है, बाजार दर्शन पाठ किस विधा में लिखा गया है, इस प्रकार से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे निबंध विधा में लिखा गया है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि धन बंध, ठीक, इस प्रकार से आप याद रखेंगे निबंध किन शब्दों से मिलकर बना है, तो नि धन बंध, अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई रचना, भली प्रकार से बंधी हुई रचना को निबंध कहा जाता है। ये गद्य की प्रमुख विधा है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, परचेजिंग पावर का अर्थ है, परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है खरीदने की शक्ति। ये बाजार दर्शन नामक पाठ से लिया गया है, जैनेन्द्र कुमार ने ये पाठ लिखा है। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है बाजार का जादू मतलब आकर्षक वस्तुएँ, बाजार हमें लुभाता है, हम वस्तुएं खरीद लेते हैं, तो ये आकर्षक वस्तुएं बाजार का जादू चढ़ जाता है, ऐसे आप याद रखें। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो
आपको यहाँ पर याद रखना है बाजारवाद, क्योंकि वहाँ पर बेचा और खरीदा जाता है। जहाँ बेचा और खरीदा जाए वहाँ पर बाजारवाद होता है। तो बाजार दर्शन इसी प्रकार से आपको बताया गया है, केंद्रीय भाव यही है इसका मूल भाव। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं, तो यहाँ आपको धर्मवीर भारती याद रखना है। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, ठीक है, इस प्रकार से बच्चे गाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है धर्मवीर भारती जी ने ये पाठ लिखा है। चार ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं आप, धर्मवीर भारती, इसमें याद रखेंगे गुनाहों का देवता। काले मेघा पानी दे पाठ है किस विधा में लिखा गया है, तो ये संस्मरण में लिखा गया है काले मेघा पानी दे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पखवाड़ा शब्द का अर्थ है, पखवाड़ा शब्द 15 दिन की अवधि को बोला जाता है, 15 दिन की अवधि। अगला देखिए, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में किया गया है। लोक प्रचलित मतलब कि समाज में प्रचलित, विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का वर्णन या चित्रण किस पाठ में किया गया है, तो काले मेघा पानी दे इसी पाठ में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, कौन जाती है, वानर सेना, इंद्र सेना, जल सेना या थल सेना, तो काले मेघा पानी दे इसी पाठ से रिलेटेड है ये। इंद्र सेना, जो बच्चों की जो टुकड़ी होती है उसको इंद्र सेना बोला गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन कंप्लीट करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं, यहाँ पर आपको फणीश्वर नाथ रेणु करना है, क्योंकि पहलवान की ढोलक नामक पाठ फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। मेला आंचल ये उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है, आपको फणीश्वर नाथ रेणु इसमें करेक्ट आंसर करना है। अगला देखिए, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, मतलब ये किस विधा में लिखा गया है, गद्य की विधा है ये भी आपको याद रखना है। पहलवान की जो ढोलक है वो कहानी विधा है, ये आपको याद रखना है। अगला है, चिट गिड़धा का अर्थ क्या होता है, तो चिट गिड़धा का अर्थ यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, मत डरना वहाँ पट्टे वहाँ बहादुर दांव काटो। जैसा कि आपको पाठ के माध्यम से बताया गया था कि जो पहलवान था वो ढोलक की ताल पर नाचता था, इसीलिए पहलवान की ढोलक नामक पाठ आपको बताया गया है। अब देखिएगा, चिट गिड़धा का अर्थ मत डरना होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। लुट्टन सिंह था, कौन था लुट्टन सिंह, तो पहलवान था, ये या आप याद रखेंगे। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो चांद सिंह शेर के बच्चे का असल नाम था। चार ऑप्शन में से करेक्ट आप चांद सिंह याद रखेंगे। अगर आपने पाठ सही से पढ़ा है, टीचर ने जिस समय आपको समझाया है उस समय अगर आपने पाठ को सुना है, तो आप इन सभी प्रश्नों को उत्तर देखते से हल कर दोगे। अन्यथा इस क्वेश्चन बैंक में उत्तर में बता ही रहा हूँ, तो इसके माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब भी कोई टीचर पढ़ाए उस समय बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होता है, ताकि बीच में वो कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताएं जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे क्वेश्चन है वो कंप्लीट करके जाएंगी, तो वो बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सीरीज के फूल पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद में, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। इक्षु इक्षु का अर्थ होता है, तो इक्षु का अर्थ होता है गन्ने, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अशोक के फूल के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में, नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था, तो शीरीष का पेड़ नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ था। शीरीष के वृक्ष होते हैं, तो आप इसमें छायादार याद रखेंगे, शीरीष के वृक्ष छायादार होते हैं। इसके बाद में, शीरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कहा गया है, तो अत्यंत कोमल कहा गया है संस्कृत साहित्य में शीरीष का जो फूल होता है उसको। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल, आप इसमें याद रखेंगे 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी कहाँ गए थे, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अमेरिका गए थे। चार ऑप्शन, जापान, चीन, रूस, अमेरिका, तो अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदर्श समाज निम्न में से आधारित है,
स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा या स्वतंत्रता। देखो यहाँ चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में गलती भी उन्होंने करी है, चार ऑप्शन देने वालों ने, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, स्वतंत्रता भी आता है, भाईचारा भी आता है, और भ्रातृत्व जिसे हम भाईचारा कहते हैं, और समानता भी आता है, इक्वलिटी, ठीक है। तो ये तीनों आता है। तो भीमराव अंबेडकर आदर्श समाज निम्न में से चाहते थे, तो स्वतंत्रता भी चाहते थे, समानता भी चाहते थे, और भाईचारा भी चाहते थे। तो इसमें आप जब उत्तर याद रखें ना, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ऐसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बैंक में ये जरा सी गलती कर दी गई है, तो इसको आप अपने स्वविवेक से भी सुधार सकते हैं, और वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है। स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता, ये भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि हमारे भारत में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा उपलब्ध हो। समता व भ्रातृत्व का वास्तविक नाम क्या है? समता, इक्वेलिटी, ठीक है, याद रखना। तो समता और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब क्या होता है? भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है ना। तो समता भ्रातृत्व का वास्तविक जो नाम है वो लोकतंत्र है। समता और भ्रातृत्व का वास्तविक नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का शासन, अर्थात भारत में लोकतंत्र ही विद्यमान है। जनता अपने नेता चुनती है, और जहाँ पर जनता अपने नेता को चुने वहाँ लोकतंत्र है। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने माना है। दूध और पानी के मिश्रण को क्या माना है डॉक्टर अंबेडकर जी ने? तो आपको भाईचारा याद रखना है, दूध और पानी के मिश्रण को। जिस प्रकार से दूध में पानी मिला दिया जाए तो फिर भी वो दूध ही लगता है, ठीक है, अलग अलग नहीं लगता है, हमें अलग अलग नहीं लगता है। इसी प्रकार से भाईचारा होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार के कुल में कोई जन्मा हो, किसी भी जाति में जन्मा हो, जाति धर्म वंश संप्रदाय, किसी प्रकार की हमें छुआछूत नहीं रखनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी को भाईचारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा को दूसरा रूप कहा गया है तो श्रम विभाजन। अगला देखिए, उत्पीड़न का अर्थ है शोषण, उत्पीड़न का अर्थ शोषण होता है। समता व भ्रातृत्व का वास्तविक नाम लोकतंत्र है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगला देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो आप यहाँ पर आप याद रखें गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा। ये आपके गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, चार ऑप्शन वाले। इसके बाद में आपको अगले वीडियो में, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ये रिक्त स्थान, सारे रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है, और उसके बाद रिक्त स्थान के बाद में आपकी सही जोड़ी रहेगी। आप अभी गद्य खंड के ये जो आपको क्वेश्चन आज बताए हैं इनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको रिक्त स्थान सारे बता दिए जाएंगे गद्य खंड के, और वैसे पाठ हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो उसको आप अच्छे से याद रखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।